देश के नए सीवीसी केवी चौधरी को आज शपथ दिलाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ही उनकी नियुक्ति पर विवाद हो गया। मशहूर वकील राम जेठमलानी ने चौधरी पर जो संगीन आरोप लगाए हैं उन पर उन्होंने सफाई दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील राज्यसभा के एमपी राम जेठमलानी ने सीवीसी केवी चौधरी पर सवाल उठाए, जिसका जिक्र मैंने किया था। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ब्रेकअप का ऐलान कर दिया और इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की धमकी दी। राम जेठमलानी जो इल्जाम लगाए उनके जवाब देने के लिए केवी चौधरी इस वक्त हमारे साथ में है। चौधरी साहब, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आपको बहुत बधाई सीवीसी बनने के लिए। नमस्कार जी, थैंक यू वेरी मच। लेकिन आपके सीवीसी बनने से राम जेठमलानी दुखी हैं, नाराज हैं। उन्होंने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी और कहा कि ये बड़ा डिजास्टर हो गया आपको सीवीसी बनाना। जी, मैं मीडियम का माध्यम से ये देखा था कि जेठमलानी जी ने चिट्ठी लिखा है। जेठमलानी जी मेरा पिताजी का उम्र है, मैं उनको अपने पिताजी की समान मानता हूँ। लेकिन जो विवाद जेठमलानी जी ने उठाया है उसकी सच क्या है क्या नहीं है कि मेरे कॉन्शंस को मालूम है और गवर्नमेंट को मालूम है और जो भी रिकॉर्ड देखेंगे उनको मालूम है। मैं इस मुद्दे पे साहब का रेस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन उस विवाद में मैं कोई उनसे चर्चा करने के लिए नहीं चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि आप चार बार रंजीत सिन्हा को उनके घर पर जाकर मिले, वो रजिस्टर में नाम है और ये ठीक नहीं था। जैसा मैंने बताया था कि पॉइंट पॉइंट पे मैं इसमें चर्चा पे चलने के लिए तैयार नहीं हूँ। तैयार की बात ही नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 5-6 प्रीमियर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज है, उसमें CBI एक है, इनकम टैक्स एक है, ED एक है और भी एजेंसीज है। तो इंटर एजेंसीज हेड का मीटिंग्स मुलाकात बहुत जगह होता रहता है। ऑफिशियल रेजिडेंस में होता है, ऑफिस में होता है, बाहर कॉन्फ्रेंसेस में होता है और जब भी अगर ज़रूरत पड़े पर्टिकुलरली कोर्ट केसेस कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होता है, ऑड आवर्स में भी मिलना ज़रूरत पड़ती है। एक आदमी दूसरा आदमी से कहीं जगह मिला है वो इट्सेल्फ इज़ नॉट ए क्राइम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।